यही हुआ है कि हम जे क्वेश्चन का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका 4 गो ऑप्शन रहता है, तो हम टिक लगाए हैं लेकिन सेव नेक्स्ट किया जाता है, तो हम सेव नेक्स्ट नहीं जी करते। नमस्कार। हम रास्ते में आ रहे थे तो एक अभ्यर्थी दिखा जिसके हाथों में एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड लेकर आ रहा था तो हमने सोचा और इससे पूछा भी कि कैसा गया एग्ज़ाम, किस चीज़ का पेपर था। तो यह बोला कि CRPF का पेपर था। CRPF का पेपर था तो एग्ज़ाम दे के आ रहे थे रास्ते में, तो हम सोचे कि क्यों नहीं पेपर का एनालिसिस कर ले और इनसे सब चीज़ सब बातें कर ले और अब इनको क्या क्या कठिनाई फेस करना पड़ा है वो सब चीज़ पे हम बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दो। नितेश कुमार। नितेश कुमार एग्ज़ाम देने आया था और इनके साथ क्या हादसा हो गया, या कह सकते हैं कि क्या इन्होंने गड़बड़ी की कि इनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। पूरा वीडियो को बारीकी से देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए, जब आप एग्ज़ाम देने आए हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर कै बजे पहुंच गए हैं? बस टाइमली पहुंच गए हैं। टाइमली पहुंचने के बाद आपका एंट्री कै बजे हुआ है? एंट्री वही 12 बजे लास्ट टाइम था, 12 बजे में हम 11:30 में अंदर चल गए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है अंदर जाके? अंदर गए हैं तो मैंने जो भी सिस्टम पे बैठ गया है। हाँ, वेरिफिकेशन करके अंगूठा से और उसके बाद सिस्टम पर बैठे हैं। अच्छा, सिस्टम पे बैठ गया है, उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम हुआ है तो फिर उसके बाद जो हुआ है वह सबमिट होके भले पेपर खुला है उसके बाद कंप्यूटर को ऑन किया गया? हाँ, कंप्यूटर को ऑन किए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का आप हिंदी में आंसर दे या इंग्लिश में दे, तो हम हिंदी सेलेक्ट किए हैं और हिंदी का क्वेश्चन मैंने बनाना शुरू किए हैं। तो बनाना शुरू किए हैं तो अच्छा, हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? हिंदी में यहाँ से कारक से भी था, समास से था और उपसर्ग से था। ओ, उपसर्ग समास कारक यह तीनों से था और पैसेज भी था, गद्यांश भी था का? गद्यांश भी था। गद्यांश भी था, गद्यांश था। तो गद्यांश इजी था या हार्ड था? इजी तो हमको नहीं लगा है, हम उसको सबको छोड़ दिए हैं। ओ, गद्यांश इजी नहीं था, ये गद्यांश को छोड़ दिया है। उसके बाद ये तो हिंदी हो गया, रीजनिंग किस टाइप से था? रीजनिंग बहुत हल्का था, बहुत हल्का था रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर का था? रीजनिंग 25 नंबर के था। 25 नंबर? 25 नंबर का रीजनिंग में ज़्यादा नॉर्मल था या हार्ड भी था? नहीं, क्या बोला जाता है, हल्का था एकदम, रीजनिंग बहुत हल्का था। उसके बाद मैथ कैसा था? मैथ तो जो MTS और SSGD में पूछता है क्वेश्चन, उसका सबका बाप था इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। मैथ बहुत हार्ड था, यानी रीजनिंग का भी बाप था, यानी मैथ बहुत हार्ड था। और क्या कंसेप्ट बेस था या कहीं मेमोरी बेस था? मैथ मेमोरी बेस था। मेमोरी बेस, ओ, मेमोरी बेस क्वेश्चन था। और उसके बाद और कहाँ से क्वेश्चन था? GK GS से कैसा क्वेश्चन था? GK GS से थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बच्चे को करेंट अफेयर पढ़ के आना चाहिए ज़्यादा से, या उसको कम देखना चाहिए, या पुराना पूर्व वाला भी जो होता है वो भी करेंट अफेयर देखना चाहिए क्या? ना, अभी तत्काल वाला नहीं, मैंने 2022 का जितना करेंट अफेयर्स है उसमें से बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। 2022 से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, यही ना? यही। ओ, 2022 से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, तो आपको 2022 का क्या करना है कि उसको प्रिपरेशन करके आना है। और एग्ज़ाम का लेवल हार्ड था या इजी था? नो, इजी तो था लेकिन मैथ का बहुत हार्ड सा, हम बहुत बच्चे से। मैथ बहुत हार्ड लगा तुमको, लेकिन बनने वाला नहीं था, बुझा रहा था इस तरह बुझा रहा था कि बनने वाला था, समय नहीं मिला? नहीं, बनने वाला नहीं था, बहुत भारी था मैंने। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो ऑनलाइन देने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ है तुमको? ऑनलाइन में यही हुआ है कि हम जे क्वेश्चन का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका 4 गो ऑप्शन रहता है, तो हम टिक लगाए हैं लेकिन सेव नेक्स्ट किया जाता है, तो हम सेव नेक्स्ट नहीं कर रहे थे, सोचे माउस से एकदम जाते थे और जैसे 1 नंबर का ए आंसर मान लिए, लगा लिए और उसके बाद सोचे 2 नंबर पर चल जाते थे और उसको छोड़ देते उसी तरह। सेव नेक्स्ट नहीं किए हैं जिसके कारण हम सब क्वेश्चन में इसी
इसी तरह लगवाई चल गए हैं, और रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में इस तरह लगवाई चल गए हैं। बाद में मैम आई है तो बोलिए कि हो गया क्या, तो हम बोले कि हाँ सब लगा लिए, तो देखिए तो कहिए कि कहाँ एक को तुम लगाया है, तो हम पूछे हैं क्यों मैम क्यों नहीं लगाया, हम तो सब लगाए हैं, तो तुम सेव नेक्स्ट नहीं किया है। तो उसके बाद फिर से हम अपना जो जो लगाए थे थोड़ा ध्यान में था और रफ किए थे तो वो सब देखते, और फिर से 21 मिनट टाइम बचा था तो झपझप हम उसको जल्दी जल्दी लगाए हैं। तो आपने देख लिया आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं किया तो इनका एग्ज़ाम कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं गया। इन्होंने 21 मिनट में 53 क्वेश्चन को लगाया, लेकिन अब कैसा इनका रिजल्ट आता है और कैसी है आप लोगों का तैयारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और CRPF का एग्ज़ाम का हम रिव्यू लेके आएंगे, KBS का रिव्यू लेके आएंगे, ऑल टेट एग्ज़ाम का रिव्यू लेके आएंगे, अच्छा है जो भी छोटी बड़ी एग्ज़ाम हो उनका भी रिव्यू लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी हम सबसे पहले आपको देंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।